करेंगे मेरे नए एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें हमने इस्तेमाल की है विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर विटामिन ई एंड विटामिन मल्टी विटामिन। विटामिन ई पौधे की जिस तरह ये इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी है, एक ख़ास लिमिट पे जाने के बाद ये आसाब को मजबूत करती है और तवानाई को बहाल करती है और इंसान को फ्रेश रखती है। उसी तरह पौधों पे इसका इम्पैक्ट के लिए तजर्बा मैंने जो किया है उसके मुताबिक कि ये पौधे की ग्रोथ को एक्सेलरेट करती है, बढ़ा देती है, और जो पौधा है ख़ास तौर पर फलदार पौधा वो इसके फल लाने के इसकी को शॉर्टेस्ट कर देता है। मैंने ये तजर्बा अपने फिग ट्री पर किया है, इसमें एक एक टेबलेट विटामिन मल्टी विटामिन की है, उसको हमने इसको इसमें हमने विटामिन मल्टी विटामिन को क्रश किया है, देखिए इस तरह, और उसके बाद भी इसे इसमें फैला दिया है। इसके अलावा ये विटामिन ई है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इसकी नशोनुमा को बढ़ा देती है और फ्रूट लाने में इसे जल्दी कर अगर फ्रूट लेना हो तो ये जल्दी फ्रूट ये एक ये कैप्सूल है, इसमें आयल नुमा जेल है, इसको हमने डाल के इस तमाम के तमाम को हमने इसमें मिक्स कर दिया है। विटामिन ई इंसानी जिस्म में बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये आपको तवानाई पहुंचाती है, ये वैसे तो स्किन के लिए दूसरी चीज़ों के लिए बड़ी कारामद चीज़ है विटामिन ई, लेकिन ये फर्टिलिटी को इंसान मर्दों में ख़ास तौर पर जरसूमों को बढ़ाने और अफजाई से नस्ल के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे भी इसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए हमने पौधों में इसे इस्तेमाल किया है, ये इससे इसकी ग्रोथ बेहतर हो गई है। ये देखिए इस पर ये पौधा तकरीबन 4.5 माह की उम्र रखता है,
इसमें हमने इसे कटिंग से लगाया था, आपने अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो वो उसमें सिक के बारे में मौजूद है, कटिंग से इसको उगाया हुआ। ये पौधा है, इसकी उम्र 4.5 माह है। हमने पिछले दो माह से इसमें ये इस्तेमाल करना शुरू किया है और अब ये माशाल्लाह फ्रूटिंग पर आ गया है। ये देखिए इसके ऊपर लगी हुई फ्रूट और ये नया लीफ भी, यानी कि फ्रूट भी दे रहा है और अपनी ग्रोथ भी बढ़ा रहा है। इसके इस्तेमाल से फ्रूट भी जल्दी आता है और इसके इस्तेमाल से पौधे की ग्रोथ भी जल्दी होती है। ये इसे आप किसी अपने एक पौधे पर आजमा कर देखिए, फिर इसे अपने सारे फलदार पौधों पर इस्तेमाल कीजिएगा। ये आपको फल भी ज़्यादा देगा और बेहतर भी देगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।